अरे बेटा नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन से बेटी हुई है। कोई बात नहीं, अगला बेटा होगा। तुम्हारा रंग तो इतना साफ है, ये किस पे चली गई है, हाला पे? नहीं मत करें। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मामा टॉक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स जो कि यंग मदर्स को, न्यू मदर्स को स्पेशली सुनने को मिलते हैं व्हेन देयर बेबी इज बॉर्न। शुरू का टाइम इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, यू आर जस्ट फिगरिंग आउट कि सब कुछ कैसे करना है। और उसमें मतलब हमारे जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें कुछ इस तरह का एक सिस्टम है कि बहुत ही पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। सो व्हाट वी वांट टू हाईलाइट टुडे इज कौन से सवाल जो नहीं पूछने हैं। नंबर 10, नॉर्मल हुआ है कि सी सेक्शन? मत पूछिए ये सवाल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है। द पॉइंट इज़ द बेबी इज़ हेयर, द बेबी इज़ हेल्दी। जस्ट शो योर सपोर्ट, अपनी मुबारकबाद दें और ये सवाल मत पूछें नॉर्मल हुआ है कि सी सेक्शन। नंबर 9, फीट कौन सा दे रही हो? ये वाला जो सवाल है आई थिंक इट्स द वर्स्ट वन ऑफ ऑल ऑफ देम। एंड हम ये बहुत फन वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम फनी कमेंट्स डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, ये डायरेक्टली जाके फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज एक न्यू मदर के अंदर मॉम गिल्ट पैदा कर देता है कि शायद शी इज़ फेलिंग एज अ मदर, कि अगर वो एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से अपना फीड नहीं दे पा रही है। फॉर सम मदर्स इट्स नेचुरली वेरी ईजी कि वो अपना फीड दें, विच इज़ अमेजिंग, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इट्स टू गुड। लेकिन फॉर सम रीज़न, कोई हेल्थ रीज़न हो सकती है, कोई कंसर्न हो सकता है जिसकी वजह से डॉक्टर ने फॉर्मूला अगर रिकमेंड किया है, दैट शुड ऑल्सो बी वेलकम्ड। और ये इट्स बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, उसका उसकी बेबी के साथ बॉन्ड बनना है, वो सब कुछ इट्स वेरी पर्सनल इन नेचर। हमें अपनी लाइफ से ये क्वेश्चन बिल्कुल अरेज कर देना चाहिए, हमें नहीं पूछना चाहिए एक मदर से कि वो कौन सा फीड दे रही है। बच्चा शुड बी वेल फेड, दैट शुड बी द गोल, नथिंग एल्स। अच्छा बेटी हो रही है, चलो इंशाल्लाह अगली बार बेटा हो जाएगा, दोबारा ट्राई कर लेना। ये वाला सवाल, ये वाला कमेंट, मतलब इट्स दिस इज़ वाई एज अ सोसाइटी हम लोग ना वी हैवंट बीन एबल टू लाइक गेट पास दिस कॉन्सेप्ट। बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ के लिए उसका बच्चा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इट्स जब आप एक माँ को ये चीज़ बोलते हो ना कि लाइक आपकी बेटी की हमें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, हाँ अलबत्त अगर आपका बेटा हुआ होता तो हम लोग बहुत खुश होते इस बात को लेके। आई डोंट थिंक कि ये मेरे साथ, तो एटलीस्ट जब मैंने जितनी दफ़ा ये कमेंट सुना था, लाइक इट हर्ट मी टू द कोर। अब मुझे हाँ ठीक है, मुझे हंसी आती है, लाइक आई सी दोज पीपल, वो मुझे देखते हैं, एमल को देखते हैं, मेरी बेटी को देखते हैं, हम लोग लाइक वी आर ओवर इट। लेकिन उस वक्त ये चीज़ जाके बहुत हर्ट करती है आपको, एंड आप एक फ्लो में ये कह देते हो कि चलो अल्लाह नसीब अच्छे करे, या कोई बात नहीं दोबारा से ट्राई कर लेना, या मतलब इट्स जस्ट टोटली अननेसेसरी। माँ के लिए उसका बेटा और बेटी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमारे सोसाइटी में ये डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए हैं, लेकिन हमें वी नीड टू गेट पास्ट इट। तो लाइक वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ कि ये क्वेश्चन कमेंट बिल्कुल प्लीज़ ना करें। नंबर 7, इसको ना दिन में जगा के रखो ताकि रात को सोए और इसकी रूटीन बन जाए। एक बात है, इतने से छोटे से बेबी की रूटीन ना आप नहीं बना सकते, बेबी अपनी रूटीन विद टाइम खुद सेट करता है, एंड इट्स वेरी अनहेल्दी कि आप एक माँ को मशवरा दे रहे हो कि वो पूरा दिन अपने बेबी को नैप्स ना दिलाए। बच्चे की एक फिज़िकल नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि उसने ज़्यादा सोना है, वो दिन में सोएगा, एंड दैट्स जस्ट द वे इट इज़। इवन डॉक्टर्स रिकमेंड कि 1.5 साल की उम्र तक आप 2 नैप्स लें दिन में, और 1.5 साल की उम्र के बाद आप उसको 1 नैप पे ट्रांजिशन कर दें स्लोली, और वो भी बच्चा अपना टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुद सेट करता है। मतलब ये है कि यू कैन हेल्प फैसिलिटेट द प्रोसेस कि रात को आप लाइट्स डिम कर दें, आप एक सोने वाला माहौल बना दें जिससे आपका बच्चा नेचुरली मेलाटोनिन प्रोड्यूस करे और वो सो जाए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको पूरी दिन ज़बरदस्ती जगा के रखो ताकि उसकी रूटीन बन जाए। तो अगर आप इस टॉपिक के ऊपर माँ को कॉमेंट करना चाह ही रहे हो, तो आई थिंक अ बेटर वे वुड बी कि इस तरह के आप मशवरे दें कि माहौल बनाओ, रूटीन बनाओ, इस तरह नहीं कि बस उसको सुलाओ ही मत। हमने तो 4-4 पाले हैं, हम अगले दिन ही खड़े हो गए थे, अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम भी तो बहुत फ़र्क था ना। लेकिन अब की जो जो अर्बन
खवातीन है, इट्स देयर बॉडीज नीड टाइम टू हील, उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है. यू कांट कंपेयर देम कि पहले ऐसे होता था और अब ऐसे होता है और आपकी रिकवरी बहुत क्विक थी. इट्स नॉट अ फेयर कंपेरिजन. उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में, उनकी एग्जर्शन, उनकी रूटीन्स में बहुत फ़र्क था एज़ अपोज टू आज की खवातीन. तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि हम वापस उस स्टेट पर आए. आवर बॉडीज नीड टाइम टू बाउंस बैक. तो मत कंपैरिजन करें, बिकॉज कंपैरिजन फेयर नहीं है. अच्छी बात है आपने चार पाले एंड यू वर एबल टू लाइक रिकवर क्विकली, बट अगर एक माँ को थोड़ा टाइम लग रहा है अपने बेबी की डिलीवरी के बाद रिकवर होने में, दैट्स फेयर टू, कोई बात नहीं. नंबर 5, इसको ना ज़्यादा गोद की आदत मत डालो, फिर बाद में तुम्हें बहुत मसला होगा. ज़्यादा गोद में मत उठाया करो, उठाने भी प्लीज़. मतलब मेरा अपना ये ख्याल है कि कुछ बच्चे नेचुरली गोद में आना पसंद करते हैं. लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरी बेटी गोद में नहीं बैठती है. शी इज़ अ वेरी एजाइल किड. वो हमेशा शी वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, और वो बचपन में ही ऐसी थी. उसको गोद में आदत कभी भी नहीं थी. शी लाइक बींग ऑन हर क्रिब और वो सब कुछ. लेकिन अगर एक बच्चा है, उसकी इमोशनल नीड है कि वो चाह रहा है कि उसकी माँ उसको गोद में उठाए, एंड द बेबी नीड्स द वॉर्म्थ, तो आप वाई वुड यू वॉन्ट द चाइल्ड टू गो थ्रू दिस इमोशनल ट्रामा एट सच ए यंग एज कि वो अपनी माँ की गोद मांग रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं उसकी आदत ख़राब होगी, इसको गोद में मत उठाओ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवेंचुअली जब बच्चे बड़े होते हैं, सब लोग अपनी माँ की गोद से उतर जाते हैं. लेकिन जितनी देर वो अपनी माँ की गोद रिक्वायर्ड है, उसको वो डिमांड कर रहा है, तो इंकरेज करें, कहें, उनको सपोर्ट करें कि ठीक है, विद टाइम ये आदत भी ठीक हो जाएगी. सो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ सुनने को मिलती है, एंड आई थिंक बच्चे की इमोशनल हेल्थ के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स जो एक्चुअली इस चीज़ पे फॉलो करती हैं और वो नहीं अपने बेबी को गोद में उठाती है. आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच. तुम्हारा रंग तो इतना साफ है, इसका रंग किस पे चला गया? मत कहें, बच्चे सारे क्यूट होते हैं, गोरा हो काला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड बच्चों की तो वैसे ही हर स्टेज पे कम्प्लेक्शन, उनके लुक्स चेंज होते रहते हैं टिल द टाइम कि उनके फीचर्स प्रॉपरली फॉर्म हो जाएं. मैंने ये बहुत दफ़ा सुना था, लाइक देयर वाज अ स्टेज इन माय डॉटर्स लाइफ कि वो उसका रंग थोड़ा सा टुवर्ड्स द डार्कर साइड चला गया था. इतना अनवेलकम सा ये कॉमेंट है, क्योंकि मुझे तो वो फिर भी दुनिया की सबसे प्यारी बेबी लग रही होती है ना. तो लाइक व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस, तो आपका ये शायद इतने अच्छे से कमेंट परसीव नहीं हो रहा. तो दिस इज़ समथिंग कि हम लोगों को ये जो हमारा ऑब्सेशन है विद गोरा रंग, इससे वी नीड टू गेट पास्ट इट नाउ. इवन इफ़ हमारे बेबी का रंग थोड़ा सा डार्कर साइड पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी उतना ही ब्यूटीफुल लगता है. तो आई थिंक ये नहीं कहना चाहिए इस टाइम एंड एज में, आज के ज़माने में तो बिल्कुल रंग की बात नहीं करनी चाहिए. साथ ही ना दूसरा बेबी प्लान कर लो, इकट्ठे पल जाएंगे दोनों. ठीक है, आपने ये तो मशवरा दे दिया कि हम साथ ही दूसरा बेबी भी प्लान कर ले, लेकिन ये भी बता दें कि उनको पालना किस तरह है साथ साथ. इट्स एक्चुअली अ वेरी हार्ड जॉब इफ़ यू वांट टू डू इट राइट. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस, एफर्ट. तो ठीक है, आप फैमिली प्लानिंग के इतने पर्सनल मशवरे दे रहे हैं, बट मत दें. मतलब इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ. एंड आई थिंक हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम इस तरह की पर्सनल फैमिली प्लानिंग एडवाइस ना दें. तो इवन लाइक अगर आप, इफ़ यू लकी इनफ कि आपको जॉइंट फैमिली में सब बड़ों का, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट है, यू आर लिविंग इन अ सेटअप जहाँ पे आपको सपोर्ट है, यू कैन क्विकली यू नो गेट डन विद द फैमिली प्लानिंग एंड ऑल दैट. लेकिन फिर भी इवन देन दिस इज़ अ प्राइवेट मैटर, डू नॉट इंक्रोच इन टू दिस. नंबर 2, अभी से वेट कंट्रोल कर लो, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा. और यू गेट टू हेयर समथिंग लाइक, हम तो 4 बच्चों के बाद भी साइज 0 थे, इतनी सी कमर थी, हमने तो 6 के बाद ही सारा वेट लूज़ कर दिया था. बहुत अच्छी बात है, आपने वेट लूज़ कर दिया था. मतलब देयर माइट बी अ मदर जिसका बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली अपने पहले प्री बेबी वेट पे आ जाए. तो अगर नहीं आ रही तो क्या हो गया? मतलब डोंट मेक हर फील बैड, शी इज़ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ द बेबी. उसको वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, उसको वो न्यूट्रिशन चाहिए कि उसने वो जो 9 months और डिलीवरी के टाइम पर वो न्यूट्रिशन लूज़ किया. शी नीड्स टू मेक अप फॉर दैट, द बॉडी नीड्स टू मेक अप फॉर दैट. अगर उसके लिए उसकी बॉडी टाइप थोड़ी चेंज हुई है, शी इज़ पुट ऑन वेट, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई अनड्यू कंपेरिजन्स करने की ज़रूरत है या उनको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि अभी बस टाइम है, अभी वेट लूज़ करना पड़ेगा वरना वक्त निकल जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा. एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ मदर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, उन्होंने एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ ये बात सुनी है लाजमी. ठीक है, तो आई वुड जस्ट से लाइक ईट हेल्दी,
जंक फूड ना खाएं, मतलब ये तो आई एम नॉट इंडोर्सिंग द फैक्ट कि आपको बिल्कुल ऑल आउट जाके सब कुछ खाना चाहिए, कि आप पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खाते जा रहे हैं, बट जस्ट फोकस ऑन बींग हेल्दी, टेक द न्यूट्रिशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज अ वेल फेड, अ हैप्पी मदर कैन रेज हैप्पी वेल फेड किड्स. आपका अपने मूड स्विंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डाइट. आपकी एपेटाइट आप हर वक्त सप्रेस करते रहोगे, दैट्स गोना रिफ्लेक्ट इन योर मूड, दैट्स गोना शो इन योर पेरेंटिंग स्टाइल. आप एक एजिटेटेड माँ बनोगे. तो लोगों की बातों में आके अपने वेट लॉस के चक्कर में डू नॉट बिकम एन एजिटेटेड पेरेंट. आपके पास पूरी लाइफ है, अभी आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटी आपका बेबी है जो आप अपने इस दुनिया में लेके आए हो. उसके चक्कर में अगर आप थोड़े से अपने वेट से ज़्यादा चले गए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. डू नॉट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट यू. एंड टू पीपल हु से दीज थिंग्स, मेरा यही बस एक गुजारिश है कि एक बंदी, शी कैन टेक दिस पर्सनली, उसको ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं, और दीज आर नॉट वेलकम. ये कॉमेंट, दीज कॉमेंट्स आर नेवर वेलकम. अरे अभी से थक गई हो, आगे आगे देखो होता है क्या, या फिर समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ अभी तो कुछ नहीं, आगे जब बेबी बड़ी होगी फिर पता चलेगा. क्या पता चलेगा? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, कि दिस इज़ नेवर गोइंग टू गेट इजी? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डीमोटिवेट द पेरेंट एट एन अर्ली स्टेज, के मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, एंड यू हैव गॉटन योर सेल्फ इन ट्रबल. इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल ऑफ लाइफ. लाइक एक नया बेबी पैदा हुआ है, शो इमोशनल सपोर्ट. इस तरह के जो कमेंट्स और इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो किसी भी मदर के लिए एट एनी टाइम उसको ट्रिगर कर सकते हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हमारे मुल्क में इसकी इतनी डिस्कशन नहीं है, बट ये जो मैंने अभी बातें डिस्कस की हैं, इनमें से कोई भी ऐसा एक फैक्टर हो सकता है कि जो मदर के लिए ट्रिगरिंग हो, एंड इट माइट एक्चुअली लाइक फ्लिप समथिंग इन हर ब्रेन. उनको वो चीज़ें, इट स्टिक्स टू हर, और इट कैन हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन हर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. तो आपका काम एज एन एल्डर, एज अ फैमिली, एज सपोर्ट सिस्टम, आप बस ये करें कि लाइक इनकरेज देम, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा, वी आर हेयर फॉर यू, मिलके कर लेंगे, टेंशन मत लो, इट विल गेट ईजियर विद टाइम. दीज आर द सपोर्टिव कॉमेंट्स यू शुड बी शेयरिंग, रादर देन सेइंग कि भाई अभी तो बस देखना मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें. ऐसा मत करें, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. वाकई टाइम के साथ चीज़ें डू गेट बेटर, बट शुरू में ये सुन लेना, इट डज़ हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर माइंड. अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी कंटेंट मैंने खुद क्रिएट किया है, या दिस इज़ जस्ट अ फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन, ऐसी बात नहीं है. सो एक्चुअली मेरा फेसबुक पोस्ट, जिसके ऊपर मैंने आई रिक्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मदर्स टू कम फॉरवर्ड और बताएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें कि ऐसी कौन सी बातें जो उनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिली और उनके लिए डिस्टर्बिंग थी, एंड दीज आर द टॉप 10 कॉमेंट्स फ्रॉम दैट पोस्ट, फ्रॉम दैट लिस्ट जो मैंने कंपाइल की थी, सो आई कुड शेयर विद यू. एंड इफ़ यू आर अ मदर, तो ये तो आप ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू इट, आपको पता है कि ये कितनी कॉमन है और कितने ईजिली लोग इस तरह की बातें आपको कह देते हैं. अगर इफ़ यू आर नॉट अ मदर और आपने ये बातें सुनी हुई है, इसका मतलब है कि यू आर प्रॉब्ली द वन मेकिंग दोज कॉमेंट्स, तो मत करें. माई हम्बल रिक्वेस्ट इज के मत करें, बिकॉज इट आप आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप लोगों का पॉइंट ये होगा कि किसी को जानबूझ के डिमीन करें, डीमोरलाइज करें, हर्ट करें, लेकिन एज अ यंग मदर, एज अ न्यू मदर, एज अ पेरेंट जिसके लिए पेरेंटिंग ऑलरेडी एक स्ट्रगल है टू गेट बाय, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग पेरेंट, तो ये तो बहुत मुश्किल काम होता है, एंड यू आर ट्राइंग टू डू योर बेस्ट. उसमें जस्ट शो सपोर्ट, जस्ट बी देयर, इंकरेज करें, मोटिवेट करें, एंड इस तरह की चीज़ों से जो आपके लिए बिल्कुल बाय द वे स्टेटमेंट्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ये काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकती हैं. तो आवर रिक्वेस्ट फॉर टुडे इज़, हमारी इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प मदर्स गेट थ्रू दिस स्टेज, एंड वी आर ट्राइंग टू रिक्वेस्ट अदर पीपल टू नॉट मेक सच कॉमेंट्स, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और समटाइम्स इस तरह की बातें सुन के इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. तो इसमें बेबी प्लानेट हमारा एटलीस्ट एक चीज़ जो है हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट कर देता है, वो है ऑनलाइन शॉपिंग. दे हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट तरह की रेंज है, एंड द इंटायर शॉपिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट. लॉग ऑन टू बेबी प्लानेट .pk, बिकॉज हैप्पीनेस डिलीवर्ड एवरी टाइम.